अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको मसाले वाले आलू की रेसिपी बताएंगे। उसके लिए हम लेंगे 450 ग्राम आलू, उसको टुकड़ों में काट लेंगे, 1 टीस्पून चॉप लहसुन, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, नमक, कड़ी पत्ते, ऑयल, हरा धनिया, गुड़ की चटनी, 1/2 टीस्पून ड्राई, 1/4 टीस्पून साबुत ज़ीरा। आलू को हमने बॉईल करके 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और फिर काट लिए थे, तो उससे ज़रा सख्त हो गए। गुड़ की चटनी की रेसिपी मैं पहले यूट्यूब पे बता चुकी हूँ। और मिर्ची अगर आपको कम चाहिए हो तो आप कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 टेबल स्पून ऑयल गरम किया है, अब हम इसमें करी पत्ते डालेंगे। जीरा और राई, इसको भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अब लहसुन डाल देंगे, चॉप लहसुन, लहसुन को थोड़ा फ्राई करने के बाद चिल्ली फ्लेक्स, लाल मिर्च और नमक भी डाल देंगे। अब आलू डाल देंगे इसमें। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हो तो लाल मिर्च पाउडर भी ज़्यादा डाल सकते हैं। अब ये सारे मसाले अच्छी तरह आलू में मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब चूल्हा बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद गुड़ की चटनी इसके ऊपर डालेंगे। आलू ठंडे हो चुके हैं, अब इस पे आखिर में गुड़ की चटनी डालेंगे। चटनी आप अपने हिसाब से डालिएगा जितनी ज़रूरत हो। सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाले वाले आलू तैयार हैं। मसाले वाले आलू सर्व करने के लिए तैयार है।